जी हाँ, मैं जीडी करके थी एडवोकेट रानी के आपके जिले के संदर्भ में। रानी के जिला जो है बहुत पुरानी मांगी नहीं है, आवश्यकता है। 1952 से हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि भाई रानी के जिला होना चाहिए, लेकिन कई आंदोलन हुए, सारे यहाँ से आंदोलनकर्ता बड़े शीर्ष पदों पर पहुँचे और यहाँ के शीर्ष नेतृत्व में रहे, लेकिन जिला न बनना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और हमारा यहाँ लोगों से अनुरोध है कि वो इस संदर्भ में आगे आए और जिला बनाने के लिए अपनी कमर कसे, क्योंकि ये नितांत जरूरी हो गया है। और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद तो इसके जिले के अभी तक इतना पिछड़ा होना बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश हुआ होता तो उत्तर प्रदेश में तो तभी इसको जिले बनाने के लिए सारी प्रक्रियाएँ शुरू हो रही थी। तो हमारा एक विचार है अध्ययन रानीखेत जिला का कि एक दिवसीय भूख हड़ताल करें, तो उसमें आप शामिल होंगे? हाँ, एक दिवसीय भूख हड़ताल में बिल्कुल हम सम्मिलित होंगे, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। और हम तो कह रहे हैं इसको एक दिवसीय भूख हड़ताल क्या, इसको एक बृहद आंदोलन देने की जरूरत है। हाँ, वही कार्य किया जाएगा। 31 मार्च के बाद हमारी मीटिंग होगी, कुछ भी हमारी सरकारें कर रही है उचित नहीं जी। 31 मार्च के बाद हमारी मीटिंग होगी, इसमें तय होगा सारी चीज़ें। बिल्कुल ठीक है, उसमें हम जो भी हमारा सहयोग होगा हम आपके साथ भूख हड़ताल में भी रहेंगे और आंदोलन भी।